Hello guys, I am Ansuman and this particular video is on biodiversity section. इससे पहले मैं PT365 का environment का total मैं 3 videos बना चुका हूँ. पहली जो video थी वो climate change पे थी और जो दूसरी video मैं part 4 करके मैं release किया था वो sustainable development पे थी और तीसरी video जो मैं part 2 करके release किया था वो second section that is pollution और पांचवा और छठा section that is disaster management and geography पे थी. और ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 करके है, ये बायोडाइवर्सिटी पे है और PT365 का एनवायरनमेंट की ये लास्ट वीडियो है और इस वीडियो से पूरा एनवायरनमेंट का PT365 कवर हो जाएगा. सो कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक दैट इज वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन. दिस इज ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट 2018. तो ये चौथे टाइगर सेंसस से रिलेटेड है. इससे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें तीन जो सेक्शन है, पर्टिकुलरली एक टाइगर सेंसस का, एक फॉरेस्ट सर्वे का और एक चीता को इंट्रोड्यूस करने के रिगार्डिंग. ये तीनों पर्टिकुलर सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट. आप मान के चल सकते हैं कि इन तीनों सेक्शन में से एक पे सवाल आने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी और लगभग 2 साल में एक साल मान लो तो फॉरेस्ट सर्वे पे सवाल आता ही आता है. 2019 के लास्ट प्रीलिम्स में भी फॉरेस्ट सर्वे पे सवाल आया था. तो ये तीनों टॉपिक को, टाइगर सेंसस को, फॉरेस्ट सर्वे को और चीता के इंट्रोडक्शन से रिगार्डिंग जो डिबेट है, ये तीनों टॉपिक को आप अच्छे से ही सुन लीजिएगा और डेफिनेटली मैं सारे टॉपिक्स को ही डिस्कस करूंगा. तो फर्स्ट टॉपिक इज ऑन द टाइगर सेंसस 2018. तो ये चौथा टाइगर सेंसस है. पहला जो टाइगर सेंसस हुआ था वो 2006 में हुआ था, उसके बाद 2010 में हुआ था, फिर 2014 में हुआ था और फिर ये 2018 में हुआ था. तो 2018 में ये चौथा टाइगर सेंसस था. तो इसकी जो रिपोर्ट जो पब्लिश हुई थी वो लास्ट ईयर 2019 में हुई थी और टाइगर्स का जो काउंट है वो बढ़ चुका है, 2967 हो चुका है. जो 2006 में जब पहली बार ऑल इंडिया टाइगर सेंसस हुआ था तो जो काउंट था डेट वॉज 1411, अब वो 2967 हो चुका है. तो नंबर ऑफ टाइगर्स हैव डबल्ड फ्रॉम 2006 सेंसस. तो इंडिया ने एक T2 इनिशिएटिव को भी साइन किया है, T+2, और ये ग्लोबल टाइगर फोरम का एक इनिशिएटिव है. ग्लोबल टाइगर फोरम अकेला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डैट इज रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स. तो उसी का एक T2 इनिशिएटिव है और उसके तहत ये टारगेट रखा गया था कि जो नंबर ऑफ टाइगर्स है उनको इंक्रीज करके डबल किया जाएगा और इंडिया ने वो पर्टिकुलर टारगेट अचीव कर लिया है. तो अब इससे पहले जो पुराने टाइगर सेंसस थे उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या नया था. 2006 और 2010 में दो टाइगर सेंसस हो गए थे. जो तीसरा टाइगर सेंसस था 2014 का, उसमें पहली बार कैमरा ट्रैपिंग्स का यूज़ किया गया था. और 2018 का जो ये चौथा टाइगर सेंसस है, इसमें दो नई चीज़ निकल के सामने आई है. पहला, एक एम स्ट्राइप्स मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ किया गया. एम स्ट्राइप्स के बारे में ऑलरेडी UPSC ने पूछ लिया है. एम स्ट्राइप्स एप्लीकेशन में क्या करते हैं कि वो एप्लीकेशन के तहत जितने भी फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं तो टाइगर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को उस एप्लीकेशन पे अपडेट करते हैं कि सच डैट जो भी टेरिटोरियल ऑफिसर हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उन इन्फॉर्मेशन को देख के डिसीजन ले सके. तो इस पर्टिकुलर एम स्ट्राइप्स एप्लीकेशन का भी यूज़ किया गया था ड्यूरिंग द टाइगर सेंसस ऑफ 2018. और एक नई चीज़ 2018 के सेंसस में की गई थी वो ये था कि टोटल ऐसे 3 इंडिया के टाइगर रिजर्व्स हैं जिनकी बाउंड्री इंडिया के आसपास के कंट्री के नेशनल पार्क्स या प्रोटेक्टेड एरियाज से लगती है. फॉर एग्जांपल जो असम में मानस नेशनल पार्क है वहाँ पे भी टाइगर्स पाए जाते हैं और उसकी बाउंड्री भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क से लगती है. इंडिया में जो सुंदरबंस है उसकी बाउंड्री बांग्लादेश के सुंदरबंस से भी लगती है और इंडिया में जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार में उसकी बाउंड्री नेपाल के रॉयल चिटवान नेशनल पार्क से लगती है. तो क्या होता है कि टाइगर्स का मूवमेंट होता है तो वो इंडिया को छोड़ के आसपास वाले कंट्री में भी जा सकते हैं. तो इंडिया ने ये इनिशिएटिव निकाला कि केवल इंडिया के टाइगर्स के नहीं बल्कि जो रॉयल चिटवान नेशनल पार्क या फिर रॉयल मानस नेशनल पार्क या फिर बांग्लादेश का जो सुंदरबंस रिजर्व है वहाँ पे भी टाइगर्स को काउंट किया जाए, सच डैट कि एक कंप्रिहेंसिव नंबर मिल सके. क्योंकि ये हो सकता है कि जब सेंसस कर रहे हैं उस समय सारे के सारे टाइगर्स इंडिया वाले साइड के नेशनल पार्क में हो, बाद में फिर वो नेपाल या भूटान या फिर बांग्लादेश चले जाए. तो अगर आप भूटान या बांग्लादेश या नेपाल के भी टाइगर्स को आप गिन रहे हैं जो इंडिया के प्रोटेक्टेड एरिया से कॉन्टिग्यूस हैं तो एक कंप्रिहेंसिव वे में आप टाइगर सेंसस को कर पाएंगे. तो 2018 में वो भी किया गया है. जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखा गया था इन द नंबर ऑफ टाइगर्स वो मध्य प्रदेश में था और मध्य प्रदेश में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स हैं 526 और कर्नाटका में 524 है, हैविंग द सेकेंड नंबर ऑफ टाइगर्स इन द कंट्री.
और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस टाइगर सेंसस से वो ये है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल में है, दंपा टाइगर रिजर्व जो मिजोरम में है, और पलामू टाइगर रिजर्व जो झारखंड में, वहाँ पे टाइगर्स नहीं पाए गए थे। जैसे मैंने बताया एम स्ट्राइप्स का यूज़ किया गया है, एक कैटराइट है दैट इज कैमरा ट्रैपिंग्स, उसका भी यूज़ किया गया है, एक्सट्रैक्ट का भी यूज़ किया गया है। एक्सट्रैक्ट इज द स्कैट एनालिसिस, डंग एनालिसिस। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और इसके अलावा डेफिनेटली टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में देखना है। उसके अलावा जो स्कैट एनालिसिस होता है, डंग एनालिसिस, दैट इज द बेस्ट मेथड फॉर टाइगर सेंसस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उसमें यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली कुछ लेवल तक यहाँ पे यूज़ किया गया था टाइगर सेंसस में, लेकिन पूरा टाइगर सेंसस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे नहीं किया गया था। रीज़न बिंग कि वो काफ़ी कॉस्टली होता है, तो इसलिए एक लार्ज स्केल पे अभी इंडिया नहीं कर पा रहा है। और प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड डेफिनेटली आप मेंस में भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर का सक्सेस क्या रहा, उसमें भी क्या क्या चैलेंजेज है। तो उसको एनालाइज करने से पहले अगर हम देखें तो कि टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स में आज तक इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, तो डेफिनेटली ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत टाइगर एक शेड्यूल वन एनिमल है। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जितने भी प्रोजेक्ट करके जो भी मूवमेंट्स है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, सारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उसके अलावा 50 टाइगर रिजर्व्स है पूरे कंट्री में। एक बॉडी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2006 में बनाई गई थी, वो भी बनाई गई थी इन ऑर्डर टू इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। उसके अलावा टाइगर सेंसस होता है हर 4 साल में। उसके बाद इंडिया ग्लोबल टाइगर फोरम T2 इनिशिएटिव का भी पार्ट है। और उसके अलावा टोटल 32 टाइगर कॉरिडोर्स हैं। उसके बाद इको टूरिज्म मॉडल पे भी जो टाइगर रिजर्व्स में टूरिज्म को अलाउ किया जाता है, उससे भी टाइगर्स का कंजर्वेशन इंश्योर होता है, क्योंकि जनरली जहाँ पे टूरिज्म कम होता है वहाँ पे पोचिंग ज़्यादा होने लगता है। उसके अलावा पोचिंग को रोकने के लिए टाइगर्स के कंधे पे एक GPS बेस्ड रेडियो कॉलर्स का यूज़ किया जाता है, सेटेलाइट कॉलर्स का यूज़ किया जाता है, जिसके तहत टाइगर का लोकेशन हमको पता चल पाता है, फॉरेस्ट पर्सनल उसको पता चल पाता है। तो अगर लेट से उसकी पोचिंग हो गई या उसकी डेथ हो गई, तो आसानी से फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि कौन से टाइगर का डेथ हुआ है या फिर पोचिंग हुई है, तो उसको पोचिंग रोकने के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसको भी बनाया गया है। वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है रिगार्डिंग टैकलिंग पोचिंग इन टाइगर एंड अदर स्पीसीज। तो ये सब एफर्ट्स हैं जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं रिगार्डिंग टाइगर। उसके अलावा अगर प्रोजेक्ट टाइगर का एनालिसिस की जाए, तो डेफिनेटली आप ये लिख सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर जो मूवमेंट है, या जो फिर लेट से जो स्कीम है, टाइगर एक अम्ब्रेला स्पीसीज है। उसके चलते क्या होता है, जब आप टाइगर का कंजर्वेशन करते हैं तो उसके साथ साथ वेरियस अदर स्पीसीज का भी कंजर्वेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर जिन पे फीड करते हैं, जो प्रे हैं लाइक डियर्स, उनका भी कंजर्वेशन इंश्योर होता है। उसके अलावा टोटल 50 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं। टाइगर्स के नंबर भी बढ़ा है, जैसे 2006 में वो 1411 था और 2018 के चौथे टाइगर सेंसस में वो बढ़ के 2967 हो चुका है। तो डेफिनेटली दीज आर द बेनिफिट्स एंड सक्सेसेस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। उसके अलावा जो चैलेंजेज है प्रोजेक्ट टाइगर में, या फिर किसी भी पर्टिकुलर कंजर्वेशन एफर्ट्स में, जो मेन प्रॉब्लम कोई भी एक स्पीसीज फेस करता है वो हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन होता है, और उसको रोकने के लिए आपको कॉरिडोर्स बनाने पड़ते हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम पोचिंग होता है, उसके अलावा प्रॉब्लम एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट होता है, उसके अलावा जो प्रॉब्लम होती है जब एक्सेसिव टूरिज्म होता है, तो उसके चलते भी डेफिनेटली वाइल्ड लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब मेजर प्रॉब्लम्स हैं। और उसके अलावा जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं, तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट इन रशिया 2010, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, टाइगर ग्लोबल टाइगर फोरम, T2 इनिशिएटिव, ये सब इंटरनेशनल कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं। कैट्स भी एक इंटरनेशनल कंजर्वेशन एफर्ट है। बस आपको नाम पता होना चाहिए, जो सबसे प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, दैट इज ग्लोबल टाइगर फोरम। उसके अलावा रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन टाइगर्स, टाइगर्स की वेरियस स्पीसीज हैं। जो सुंदरबंस टाइगर है, डैट इज पैंथरा टिग्रिस, डैट इज स्पीसीज नेटिव टू इंडिया, वो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी पाया जाता है। उसके अलावा इंडिया हैज 80% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन, ये आपको पता होना चाहिए। टाइगर एक अम्ब्रेला स्पीसीज है। अम्ब्रेला स्पीसीज का मतलब ये होता है कि अगर आप उस स्पीसी को कंजर्व कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ वेरियस अदर स्पीसीज भी कंजर्व होते हैं। तो टाइगर एक अम्ब्रेला स्पीसी है, इसलिए मे बी ये एक नेशनल एनिमल है, और इसलिए टाइगर के कंजर्वेशन पे इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है।
और IUCN रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड है। इंपॉर्टेंट स्पीसीज का स्टेटस क्या है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे टाइगर इंडेंजर्ड है, एलिफेंट इंडेंजर्ड है, जो गिर लायन है वो भी इंडेंजर्ड है, वन हॉर्न राइनोसोरस वल्नरेबल है, या फिर ऑलिव रिडली टर्टल्स वो भी वल्नरेबल है, और ये एक स्केड्यूल वन एनिमल है। उसके अलावा टोटल 32 टाइगर कॉरिडोर्स है वो आपको पता होना चाहिए, और ये जो टाइगर कॉरिडोर्स है सेक्शन 38 V ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाए गए हैं, और मैक्सिमम जो टाइगर कॉरिडोर है वो सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, डेट इज 11 कॉरिडोर्स। उसके अलावा जो टाइगर रिजर्व्स न्यूज में आए थे उनको देख लेते हैं। अमराबाद टाइगर रिजर्व, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये तेलंगाना में है। जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं वो किस जगह पाए जाते हैं, किस स्टेट में पाए जाते हैं वो तो आपको पता होना ही चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें कौन सी नदी बहती है, कौन से माउंटेन्स है, कौन से अदर स्पीसीज पाए जाते हैं, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व का तो भी आपको पता होना चाहिए। टाइगर रिजर्व से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वन वीडियो इज ऑन प्रोजेक्ट टाइगर एंड वन वीडियो इज ऑन टाइगर रिजर्व्स। तो टाइगर रिजर्व्स प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन डू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि टाइगर रिजर्व से रिलेटेड वीडियो आपको यूट्यूब में जनरली मिलेगी नहीं, तो डेफिनेटली आपने अगर नहीं देखा है डू वॉच दैट वीडियो। 2 साल में एक साल एक सवाल टाइगर रिजर्व पे होता ही होता है। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है, और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन अ क्लियरेंस फॉर यूरेनियम एक्सप्लोरेशन इन अमराबाद टाइगर रिजर्व ऑफ तेलंगाना। और जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है, एक सेकेंड, वो नलमल्ला हिल पे है, बस आपको ये पता होना चाहिए, और वहाँ पे 2 नदी है, नलवागु और डिंडी, वो मर्ज करती हैं और फाइनली जाके वो कृष्णा में मिलती है। कृष्णा रिवर इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व के थ्रू फ्लो नहीं करती है, और ये सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, नेक्स्ट ओनली टू नागार्जुन श्री सलाम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन श्री सलाम टाइगर रिजर्व ऑफ आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। और यहाँ पे अमराबाद टाइगर रिजर्व में चेंचू ट्राइब भी पाई जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एक पक्के या पखुई टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में। पखुई से रिलेटेड सवाल ऑलरेडी UPSC ने पूछ रखा है कि पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पाई जाती है, पखुई फेमस टाइगर रिजर्व के चलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, और वो इजी गोइंग सवाल था, उसका आंसर होता अरुणाचल प्रदेश। और ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो अरुणाचल प्रदेश में एक ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने वाली है जो कि पखुई टाइगर रिजर्व के कोर से गुजरेगा, तो इसलिए पखुई टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था। अब पखुई टाइगर रिजर्व के थ्रू कामेंग रिवर फ्लो करती है। उसके अलावा यहाँ पे सेमी एवरग्रीन और ईस्टर्न हिमालयन ब्रोडली फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जो लार्जेस्ट जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया का वो 44 है, डेट रन्स फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। उसके अलावा आप स्नो लेपर्ड के बारे में देख लेते हैं। अब 2009 में इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया था इन ऑर्डर टू कंजर्व स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड के बारे में बस कल देख लेते हैं कि उनका स्टेटस क्या है। उनका स्टेटस वल्नरेबल है अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट, ये वल्नरेबल है, और ये कि स्केड्यूल वन एनिमल अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। उसके अलावा ये अपेंडिक्स वन में आता है ऑन द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, दैट इज साइट्स। अब साइट्स के किस अपेंडिक्स में आता है वो उतना इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, आपको बता रखा हूँ जितना भी प्रोजेक्ट है, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, स्नो लेपर्ड चाहे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, सारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। उसके बाद चीता के रिगार्डिंग देख लेते हैं, इसकी पूरी बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए चीता के रिगार्डिंग। चीता भी इंडिया में एक्सटिंक्ट है, पहली बात तो ये, तो इंडिया में ये 1952 तक पाया जाता था, 1952 में लास्ट चीता इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया था, और अभी चीता केवल वर्ल्ड में 2 जगह पाया जाता है, एक अफ्रीका में पाया जाता है और एक ईरान में पाया जाता है। अफ्रीका में जो पाया जाता है डेट इज अफ्रीकन चीता, ईरान में जो पाया जाता है वो एशियाटिक चीता है, और इंडिया में जो पाया जाता था वो भी एक एशियाटिक चीता था। तो एशियाटिक चीता केवल ईरान में मिला था, अभी मिलता है, और 2 स्पीसीज हो गई चीता की, एक अफ्रीकन चीता जो अफ्रीका में अभी मिलता है, एक एशियाटिक चीता जो इंडिया में मिलता था एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन अब केवल वो ईरान में मिलता है। तो जो अफ्रीकन चीता है वो उसका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है, और जो एशियाटिक चीता जो अभी ईरान में मिलता है उसका जो स्टेटस है डेट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इंडिया ने ईरान से बात की थी कि वो एशियाटिक चीता को इंडिया में, कुछ एशियाटिक चीता को इंडिया में रिलोकेट करे, लेकिन ईरान ने मना कर दिया था क्योंकि उनका स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है।
तो फिर 2010 के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि जब ईरान मना कर रहा है तो अफ्रीका में जो चीता मिलता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए इंडिया में। तो नाम्बिया से बात की गई थी, तो नाम्बिया हाँ भर चुका था कि वो रेडी है इंडिया को अफ्रीकन चीता देने के लिए। पर हुआ क्या था कि उस समय फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। इंडिया सोच रहा था कि वो नाम्बिया से अफ्रीकन चीता को लेके इंडिया के मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ट्रांसलोकेट करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। रीजन जो दिया गया था, एक सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इंडिया में बहुत सारे स्पीसीज ऑलरेडी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या फिर इंडेंजर्ड है, तो उन पे फोकस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इंडिया में चीता को वापस रीइंट्रोड्यूस करना। और दूसरा जो रीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो ये था कि इंडिया उस समय कूनो नेशनल पार्क में चीता को इंट्रोड्यूस करने वाला था और ऑलरेडी उस समय एक प्रोग्राम भले चल नहीं रहा था लेकिन पेंडिंग था कि गिर नेशनल लायन, गिर जो लायन है उसको गिर नेशनल पार्क से भी कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस करना है। तो उस समय अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देता तो कूनो में लायन भी आ जाते और चीता भी आ जाते, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता। तो इस रीजन से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। फिर फाइनली अब ये न्यूज़ में इसलिए आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले मना किया था उस स्टैंड को चेंज किया। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने हाँ नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट का अब ये बोलना है कि ब्लैंकेट बैन नहीं हो सकता, इंडिया में चीता को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब किया जाएगा या ना किया जाएगा वो एक 3-member कमेटी पे डिपेंड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो एक 3-member कमेटी बनाई जाए जिसका काम ये होगा कि वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को गाइड करेगा कि चीता को लाना है कि नहीं लाना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाँ नहीं भरा है, सुप्रीम कोर्ट ने इतना बोला है कि 3-member कमेटी इन कंसल्टेशन विद NTCA ये डिसाइड करेगी कि इंडिया में चीता को लाना है कि नहीं लाना है। तो अभी तक इस 3-member कमेटी ने कुछ डिसीजन दिया नहीं है, तो फाइनल डिसीजन अभी तक ये नहीं हुआ है कि इंडिया में चीता आएगा कि नहीं आएगा। अब दूसरी बात, आएगा तो कहाँ आएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक टोटल 3 ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज को सेलेक्ट करके रखी है लेकिन अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया है कि वो कहाँ होगा। एक कूनोपालपुर रीजन है मध्य प्रदेश का, दूसरा नौरादेही नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, और तीसरा है डिजर्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान। कूनो में ये प्रॉब्लम है कि कूनो थोड़ा फॉरेस्टेड रीजन अब हो चुका है, तो फॉरेस्ट होने के तहत वहाँ पे चीता आसानी से सर्वाइव नहीं कर सकता है। चीता ग्रासलैंड स्पेसीज है, वो फॉरेस्ट स्पेसीज नहीं है, तो वो ग्रासलैंड में चीता सर्वाइव करता है। तो उसके चलते कूनो तो आउट ऑफ द लिस्ट हो गया। और ऐसे भी प्रपोज्ड है कूनो में कि लायन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो वहाँ पे चीता को इंट्रोड्यूस करने का कोई सेंस बनता नहीं है। और डिजर्ट नेशनल पार्क में ऑलरेडी वहाँ पे एक स्पेसीज है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो ऑलरेडी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो डिजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में पाया जाता है। तो अगर चीता को अगर डिजर्ट नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया जाएगा डैट विल बिकम अ थ्रेट फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो डिजर्ट नेशनल पार्क में भी इंट्रोड्यूस करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो अकेला रिजर्व बच जाता है डैट इज नौरादेही नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। तो मैक्सिमम चांस है कि नौरादेही अगर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो चीता को नौरादेही में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये रही अब तक की कहानी, लेकिन अब इस पे डिबेट हो सकता है कि चीता को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली ये मेंस में भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है कि चीता को इंट्रोड्यूस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर लेट से आपको आंसर लिखना है तो आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पता होने चाहिए कि क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पता होने चाहिए कि क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अगर क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहिए तो उसका जो मेन एक्सट्रीम रीजन है कि चीता एक कीस्टोन स्पीसीज है। अब कीस्टोन स्पीसीज होने के चलते क्या होता है कि अगर चीता को इंट्रोड्यूस किया जाए तो चीता का इंपैक्ट पूरे इकोसिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा होता है, और मे बी अगर चीता को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको कंजर्व करने के चलते काफ़ी ज़्यादा आप प्रे को भी कंजर्व करोगे, तो केवल चीता कंजर्व नहीं होगा उसके साथ साथ वेरियस अदर स्पीसीज भी कंजर्व होंगे। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। दूसरा, जहाँ पे भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा वहाँ पे डेफिनेटली टूरिज्म भी बढ़ सकता है, टूरिज्म के चलते लोकल कम्युनिटीज की इनकम को भी बूस्ट किया जा सकता है। और उसके अलावा अगर आप चीता को ही देखिए तो चीता ऑलरेडी वल्नरेबल है अफ्रीका में भी। अगर कोई भी स्पीसीज थ्रेटनेड हो जाती है तो उसको अगर मैक्सिमम जगह इंट्रोड्यूस किया जाता है तो डेफिनेटली उस स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो डेफिनेटली अगर चीता को इंडिया में लाया जाएगा तो ज़्यादा चांस होगा कि चीता सर्वाइव कर पाएगा एज ए स्पीसीज। और उसके अलावा अगर देखिए कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि चीता को क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। वन मेजर रीज़न है कि इंडिया में एशियाटिक चीता पाया जाता था, तो एशियाटिक चीता को इंट्रोड्यूस करने का सेंस बनता है। यहाँ पे अफ्रीका से हम ऑलरेडी डिफरेंट स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डेट इज अफ्रीकन चीता, तो कोई सेंस नहीं बनता। अगर जो स्पीसीज इंडिया से एक्सटिंक्ट हुई अगर उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोई सेंस बनता है।
अगर दूसरे स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ज्यादा चांस है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और दूसरा जो मेन रीजन आता है कि नहीं इंट्रोड्यूस करने का, वो ये है कि ऑलरेडी इंडिया में काफी सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज पाए जाते हैं, तो उन पे फोकस होना चाहिए कंजर्व करने का, ना कि चीता को इंट्रोड्यूस करने पे। और लेट्स से अगर चीता को इंट्रोड्यूस कर दे डेजर्ट नेशनल पार्क में, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो ऑलरेडी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स रहे कि क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और डेफिनेटली आपको अगर कंक्लूजन लिखना है तो ज्यादा जो तगड़ा आर्ग्यूमेंट होगा वो आप अगेंस्ट में दे पाओगे कि इंडिया को चीता को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली आप कंक्लूड भी उस लाइंस पे कर सकते हो। मेरे को जहां तक हालांकि लगता है कि चीता को इंट्रोड्यूस अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंट स्पीसीज है और अभी तक इंडिया का कंजर्वेशन हिस्ट्री उतनी अच्छी भी नहीं रही है। तो डेफिनेटली जो ऑलरेडी इंडिया के पास क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है उस पर फोकस करना चाहिए इंडिया को कंजर्व करने के लिए। तो ये वाला भी एस्पेक्ट कवर हो गया। उसके बाद एक फॉरेस्ट सर्वे का एक न्यूज पीस आएगा, तो डेफिनेटली उसको भी डिटेल में कवर कर लेंगे क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ देख लेते हैं जो अगला न्यूज आइटम है, दैट इज ग्रेट इंडियन ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। तो इसका ये न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क में असम गवर्नमेंट ने क्या किया है कि असम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स को क्रिएट किया है, और उसका काम होगा टू कॉम्बैट पोचिंग इन काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में मेजर जो प्रॉब्लम होती है कि काजीरंगा नेशनल पार्क से ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है, और ब्रह्मपुत्र में काफी ज्यादा फ्लडिंग होती है। और फ्लडिंग होने के चलते क्या होता है कि कुछ कुछ एरिया में जो राइनोसोरस है वो स्ट्रैंडेड हो जाते हैं, एक जगह ही रह जाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, तो पोचर्स के लिए काफी आसान हो जाता है तब पोचिंग करना। तो उस पर्टिकुलर केस में जब काजीरंगा में फ्लडिंग हो गई है तो उस समय पोचिंग को रोकने के लिए डेफिनेटली स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स का यूज किया जाएगा इन ऑर्डर टू कॉम्बैट पोचिंग। अब जो इंडियन राइनो है दैट इज द लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीसीज, ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन राइनोसोरस जो है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, और सबसे ज्यादा तो असम में डेफिनेटली पाया जाता है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। इनका जो IUCN स्टेटस है दैट इज वल्नरेबल, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये एक शेड्यूल वन एनिमल है, और इसकी पोचिंग होती है मेनली इसके हॉर्न के लिए। और उसके अलावा इंडियन राइनो विजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और WWF डेट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर जो एक NGO है, दोनों मिलकर इस पर्टिकुलर राइनो विजन 2020 को लॉन्च किए हैं, और ये 2005 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत दो टारगेट था, एक की जो वाइल्ड पॉपुलेशन है इंडियन राइनो का उसको बढ़ा के 3000 तक करना है 2020 तक, और दूसरा जो मेजर एम था इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का वो ये था कि जो इंडियन राइनो है वो मेनली काजीरंगा में और पोबिटोरा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो इन दो जगह से ट्रांसलोकेट करके 5 और नए जगह पे भी लाना है। सच डेट क्या होता है कि जब कोई स्पीसीज बहुत जगह पाया जाता है तो उसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एक मेजर पॉइंट इस पर्टिकुलर इंडियन राइनो विजन 2020 के तहत ये भी था कि जो काजीरंगा और पोबिटोरा में जो राइनोस पाए जाते हैं उसको ट्रांसलोकेट करके 5 अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी रीलोकेट करना है, कि सच डेट वन हॉर्न राइनो के एक्सटिंक्ट होने के चांसेस या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड होने के चांसेस काफी कम हो जाए। उसके अलावा अगला जो इंपॉर्टेंट आइटम है दैट इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने टोटल 33 करोड़ सैंक्शन किए हैं फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ये एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए। उसके अलावा राजस्थान में एक डेजर्ट नेशनल पार्क है जो डेडिकेट किया गया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन राजस्थान में है, लेकिन कुछ हद तक ये महाराष्ट्र तक भी पाया जाता है, महाराष्ट्र गुजरात में भी कुछ हद तक पाया जाता है। पहले तो इवन ये मध्य प्रदेश तमिलनाडु हरियाणा वगैरह में भी पाया जाता था, लेकिन वहाँ से ये डिसअपियर हो चुका है। टोटल लगभग अभी 130 स्पीसीज ही बची है इस पर्टिकुलर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, और ये एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड में पाया जाता है। ये शेड्यूल वन एनिमल अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। और राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट गोदावन लॉन्च किया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एट द डेजर्ट नेशनल पार्क इन जैसलमेर। उसके अलावा जो मेजर जो प्रॉब्लम्स ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फेस करता है, पहला क्या है कि अब राजस्थान में इवन डेजर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस पास होती है, या फिर वहाँ पे सोलर पैनल्स मिलते हैं,
जिनके चलते काफी ज्यादा हैबिटेट लॉस या फिर हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, जिसके चलते काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। और एक मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि जो डेजर्ट थार डेजर्ट है वो केवल राजस्थान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी पाया जाता है। तो कुछ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडिया से पाकिस्तान के तरफ भी जाते हैं। अब जब तक इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन सही नहीं होता है तो इंडिया और पाकिस्तान कोलैबोरेट नहीं कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और जब तक इंडिया और पाकिस्तान कोलैबोरेट नहीं करेंगे तो कंप्लीट कंजर्वेशन या फिर बेटर कंजर्वेशन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पॉसिबल भी नहीं है। उसके बाद ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि ऑलिव रिडले टर्टल्स इंडिया में नेस्टिंग करने के लिए आते हैं। नेस्टिंग का मतलब है अंडा देने के लिए आते हैं और ये मास नेस्टिंग करते हैं कि एक ही साथ काफी सारे ऑलिव रिडले टर्टल्स नेस्टिंग करते हैं। तो ये जो फेनोमेनन है कि काफी सारे ऑलिव रिडले टर्टल्स एक साथ नेस्टिंग करते हैं, इस पर्टिकुलर फेनोमेना को ही मास नेस्टिंग करते हैं। और एक टर्म भी यूज किया जाता है, उस टर्म का नाम है अरीबाडा। अरीबाडा मीन्स मास नेस्टिंग, एक साथ अंडे देना। अब ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में देख लेते हैं कि उनका क्या हालचाल है। तो वो IUCN रेड लिस्ट के तहत वो वल्नरेबल हैं। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं, CMS के भी अपेंडिक्स 1 में आते हैं और वो कार्निवोर्स हैं। तो हमने उनके बारे में देख लिया। और फिर अगर मास नेस्टिंग इंडिया में किस जगह होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो सबसे बड़ा एरिया है जहाँ पे मास नेस्टिंग होती है, डेट इज गहीरमाथा, गहीरमाथा बीच। तो यहाँ पे महानदी रिवर फ्लो करती है और गहीरमाथा बीच जो है वो महानदी के नॉर्थ में है। महानदी गहीरमाथा बीच में फ्लो नहीं करती है, महानदी के नॉर्थ में गहीरमाथा बीच है। ये है गहीरमाथा बीच और यहीं पे ऑलिव रिडले सबसे ज्यादा मास नेस्टिंग करते हैं। उसके अलावा एक रुसिकुल्य रिवर है, ये रुसिकुल्य रिवर है, इसके माउथ पे भी ऑलिव रिडले टर्टल्स मास नेस्टिंग करते हैं। तो ये दो मेजर साइट है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा मास नेस्टिंग होती है अमंग ऑल द कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। और उसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक होप आइलैंड है, HOPE होप आइलैंड, वहां पे भी मास नेस्टिंग होती है ऑलिव रेडले टर्टल्स की। ये तीन मेजर साइट्स हैं। उसके अलावा डेफिनेटली ऐसा नहीं है केवल ईस्टर्न साइड में होती है, वेस्टर्न साइड्स में भी, जो महाराष्ट्र में और इवन गुजरात के साउदर्न पार्ट में, वहां पे भी मास नेस्टिंग होती है लेकिन काफी कम होती है। मेजर जो मास नेस्टिंग होती है उड़ीसा में होती है और सेकेंड मेजर मास नेस्टिंग आंध्र प्रदेश में होती है। तो तीन जो मेजर साइड है वो है गहीरमाथा नॉर्थ ऑफ महानदी रिवर, रुसिकुल्य रिवर के माउथ पे, और तीसरा है होप आइलैंड ऑफ आंध्र प्रदेश। उसके अलावा देयर इज अ ड्राफ्ट विजनरी पर्सपेक्टिव प्लान टू कंजर्व बर्ड्स। तो रिसेंटली एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में पेश किया था। बस आपको बस ये पता होना चाहिए कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ये काम किया है, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। केवल इम्पोर्टेंट बर्ड एरियाज के बारे में देख लीजिए। एंड इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया इज एन एरिया आइडेंटिफाइड यूजिंग एन इंटरनेशनली एग्रीड सेट ऑफ क्राइटेरिया एज बीइंग ग्लोबली इम्पोर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बर्ड पॉपुलेशन। और जो इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया, दैट कंसेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल लेवल NGO है हुज मेन मैंडेट इज टू कंजर्व द बर्ड स्पीसीज। और उसके अलावा एक सैकॉन है, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, वो कोयम्बटूर सिटी के पास में है और इट इज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी। और इंडिया का जो एनवायरमेंट मिनिस्टर होता है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ सैकॉन सोसाइटी। उसके अलावा ये भी न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा था इन द मंथ ऑफ नवंबर कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो काफ़ी ज़्यादा सांबर लेक में आ रहे थे तो उनकी काफ़ी ज़्यादा मौत हुई थी, लगभग 10,000 बर्ड्स की डेथ हुई थी। तो जो रीज़न था वो था दैट डेथ वाज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम। तो ये बैक्टीरियल डेथ्स थे बर्ड्स के, तो ये पता होना चाहिए। और ये बैक्टीरिया क्या करता था, नर्वस सिस्टम ऑफ द बर्ड्स को अफेक्ट करता था। तो अब थोड़ा सांबर लेक के बारे में देख लेते हैं। और ये तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, जितना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उतना ज़्यादा वो वाटर बॉडी पॉल्यूटेड है। सांबर लेक इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, राजस्थान में ये है।
और ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी अंडर द रामसर कन्वेंशन। उसके अलावा एक कैंपेन है, दैट इज नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस कैंपेन, ये यूएन एनवायरमेंट इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो दोनों ने साथ में मिलकर ये कैंपेन को लॉन्च किया है और अवेयरनेस को इंक्रीज करना इसका मेन टारगेट है कि सच डैट जो एनिमल्स की ट्रैफिकिंग होती है वो ना हो पाए। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इज द इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी जिसका काम है कि जितनी भी अगर पोचिंग होती है तो उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करना। और कुछ स्पीसीज जैसे टाइगर, पेंगोलिन, स्टार टॉर्टोइस, टोकियो गेको, इनकी काफ़ी ज़्यादा पोचिंग और फिर ट्रैफिकिंग होती है, तो डेफिनेटली इस कैंपेन का भी फोकस इन एनिमल्स पे है। और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एक स्टैटूचरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2000 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाई गई है। और जो डिफरेंट स्टैटूचरी बॉडी है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, वो भी एक स्टैटूचरी बॉडी है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री होते हैं। उसके अलावा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्रिएटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, और उसके हेड इंडिया के एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं। उसके अलावा सेंट्रल जू अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है क्रिएटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। उसके अलावा एक कन्वेंशन है, डेट इज कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स CMS, इसको बोन कन्वेंशन भी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर बोन में, इसलिए इसको बोन कन्वेंशन भी कहते हैं। तो ये माइग्रेटरी स्पेसिस से रिलेटेड है। इसका 13th कॉप डेट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये गांधीनगर इंडिया में हुआ था रिसेंटली ही। और बस आपको बस इतना ही पता होना चाहिए, CMS जो है एक कन्वेंशन है रिगार्डिंग माइग्रेटरी स्पेसिस, तो माइग्रेटरी स्पेसिस के कंजर्वेशन से रिगार्डिंग ये एक कन्वेंशन है, इसको बोन कन्वेंशन भी कहते हैं। और इसका 13th कॉप जो हुआ था इंडिया के गांधीनगर में हुआ था। उसके अलावा जो CMS है, दिस इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी अंडर द एजिस ऑफ यूनेप, ये आपको पता होना चाहिए। और इस कन्वेंशन के अंडर काफ़ी सारे लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स भी हैं, तो डेफिनेटली ये लीगली बाइंडिंग है कि नॉन लीगली बाइंडिंग है, तो ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। और इसके तहत भी काफ़ी सारे अपेंडिसेस होते हैं CMS के तहत भी, जिस अपेंडिक्स में वेरियस एनिमल्स को रखा जाता है, तो बस आपको पता होना चाहिए कि इसके अंडर दो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स वन एंड अपेंडिक्स टू। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को दे दिया गया है, प्रोटेक्टेड एरिया, तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं तो एक करके देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है टोटल इंडिया में 543 हैं और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत डिमार्केट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। नाउ कम्स द नेशनल पार्क, नेशनल पार्क भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1972 के तहत बनाया जाता है। टोटल 104 नेशनल पार्क है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है नेशनल पार्क को। और नेशनल पार्क में दो पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड कोर एंड अदर इज कॉल्ड द बफर एरिया। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई डिमार्केशन नहीं होता है कोर और बफर का, नेशनल पार्क में कोर और बफर होते हैं और टाइगर रिजर्व्स में भी कोर और बफर होते हैं। नाउ कम्स द कम्युनिटी रिजर्व्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व, तो कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाए जाते हैं और टोटल 127 और मैक्सिमम मेघालय में है। इसके अलावा आता है बायोस्फीयर रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में टोटल 18 हैं और यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत ये बनाया जाता है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, कोर, बफर और ट्रांजिशन। तीन पार्ट केवल बायोस्फीयर रिजर्व में ही होते हैं, कोर, बफर और ट्रांजिशन, और दो पार्ट होते हैं नेशनल पार्क में और टाइगर रिजर्व्स में। नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स में कोर और बफर होता है, ट्रांजिशन नहीं होता है। और ये चीज भी क्लियर कर देता हूँ कि टाइगर रिजर्व्स में कोर और बफर होते हैं लेकिन एलिफेंट रिजर्व्स में फिर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। और बायोस्फीयर रिजर्व्स डेफिनेटली यूनेस्को के तहत डिजिग्नेट किया जाता है। और उसके अलावा ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कंजर्वेशन रिजर्व है और कम्युनिटी रिजर्व है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत डिमार्केट किए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स किसी भी एक्ट के तहत डिमार्केट नहीं किया जाता है, कोई भी एक्ट बायोस्फीयर रिजर्व को एज ए टर्म मेंशन नहीं करता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर नॉट स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। उसके अलावा टाइगर रिजर्व है,
एक हालांकि एक फैक्ट आपको और पता होना चाहिए, जितने भी टाइगर रिजर्व हैं वो नेशनल पार्क भी हैं। मैंने आपको बताया कि नेशनल पार्क में भी कोर होता है, बफर होता है, टाइगर रिजर्व में भी कोर होता है, बफर होता है। जितने टाइगर रिजर्व से सारे के सारे नेशनल पार्क्स भी हैं, और कुछ आपको अगर देखने को मिलेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है होंगी, तो डेफिनेटली कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेन जो यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि टाइगर रिजर्व्स में भी कोरल बफर होते हैं, नेशनल पार्क्स में भी कोरल बफर होते हैं। तो जैसे कोरल बफर एरिया आया तो उसको उतना स्टेटस मिल ही जाता है जितना एक नेशनल पार्क को मिलता है। यह NTCA गवर्न करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का हेड इंडिया का एनवायरमेंट मिनिस्टर होता है। उसके अलावा जो न्यूज में बर्ड सेंचुरी जो है वो इंडिया में टोटल बर्ड सेंचुरी इंडिया में टोटल 70 बर्ड सेंचुरीज हैं, तो बस यही इंपॉर्टेंट है। और नेचुरल कंजर्वेशन जोन्स जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हालांकि हाल में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया कि कावेरी डेल्टा रीजन को प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन घोषित किया, तो बस आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जो कावेरी डेल्टा है डेट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस, और उसको स्टेट का राइस बाउल भी कहते हैं। अब जो जो टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज न्यूज में थे उनको देख लेते हैं। नागार्जुन श्री सलाम टाइगर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश में है, इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, और यहाँ पे टाइगर्स के नंबर काफी ज्यादा बढ़े थे इसलिए न्यूज में आया था। अतापका बर्ड सेंचुरी ये कोल्लेरू लेक के पास में है, और कोल्लेरू लेक आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कोलेरू लेक गोदावरी और कृष्णा के बीचों बीच है, ना गोदावरी वहां से गुजरती है ना कृष्णा गुजरती है, गोदावरी और कृष्णा के बीचों बीच है। नलाबना बर्ड सेंचुरी उड़ीसा में है, और ये चिलिका लेक का पार्ट है, और चिलिका लेक एक रामसार डिजिग्नेटेड वेटलैंड है। कोलेरू लेक रामसार डिजिग्नेटेड वेटलैंड नहीं है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि कोलेरू काफी इंपॉर्टेंट लेक है लेकिन वो रामसार डिजिग्नेटेड नहीं है। उसके अलावा टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बस आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा भी अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा इनफैक्ट थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, और यहाँ पे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एल्पाइन सारे तरह के क्लाइमेट मिलते हैं नामदफा नेशनल पार्क में। और नामदफा नेशनल पार्क में नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल भी मिलती है, जो नामदफा में इंडेमिक है, केवल नामदफा में ही पाई जाती है। बंधवगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है, नौरादेही भी मध्य प्रदेश में है, नौरादेही में ही सोचा जा रहा है चीता को इंट्रोड्यूस करने के लिए। उसके अलावा वन विहार नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है, भोपाल के ये नजदीक है। उसके अलावा सतपुरा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है, वो सतपुरा माउंटेन सिस्टम के ऊपर है, सतपुरा हिल्स के ऊपर है, और इट लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। पापीकोंड नेशनल पार्क तेलंगाना में है, एक इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है। उसके अलावा अमराबाद टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना में है, कवाल टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना में है, महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है, एक प्रपोजल है कि इसको टाइगर रिजर्व बनाया जाए। उसके अलावा बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि नाइट टाइम जो एक इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व के थ्रू एक नेशनल हाईवे पास करती है, तो नाइट टाइम बैन लगा दिया गया कि उस नेशनल पार्क के थ्रू कोई व्हीकल्स ट्रैवल नहीं कर सकती है ड्यूरिंग द नाइट टाइम इन ऑर्डर टू कंजर्व द टाइगर्स। उसके अलावा असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, और अब देख लेते हैं अदर फौना एंड फ्लोरा इन न्यूज। तो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एंट, बस फैक्चुअली ये बस आपको देख लेना है, ज्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट इज सहारन सिल्वर एंट जो है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एंट है। उसके अलावा तमिल योमैन एक बटरफ्लाई स्पीसीज है, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, जो डिक्लेयर की गई एज अ स्टेट बटरफ्लाई ऑफ तमिलनाडु। महाराष्ट्र पहला स्टेट था जिसने अपनी एक बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया था, उसके बाद कर्नाटक ने भी किया था, और उसके अलावा केरल ने भी ये काम किया है, और उत्तराखंड ने भी ये काम किया है। तो तमिलनाडु इनके बाद, मतलब अभी तक महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट था जिसने ब्लू मॉर्मोन को स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया था, उसके बाद उत्तराखंड ने भी किया है, कर्नाटक ने भी किया है, केरल ने भी किया है, और तमिल योमैन को तमिलनाडु ने स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है, और पर्पल फ्रॉग को केरला ने अपना एक स्टेट एम्फीबियन डिक्लेयर किया है, इट इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। और अगर कोई सा भी फ्रॉग स्पीसीज अगर कभी भी पाया जाता है तो मैक्सिमम चांस है कि वो वेस्टर्न घाट्स में ही पाया जाएगा, जैसे इंडियाज स्टारी ड्वार्फ फ्रॉग, इट हैज बीन डिस्कवर्ड इन इंडियाज वेस्टर्न घाट्स।
उसके बाद गैंजेस डॉल्फिन के बारे में देख लेते हैं कि फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, इट इज़ द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ये ब्लाइंड होती है बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको सुसु भी कहते हैं, और इसका जो IUCN स्टेटस है डेट इज इंडेंजर्ड। इरावाडी डॉल्फिन ऐसे इरावाडी रिवर में मिलती है म्यांमार में, लेकिन इंडिया में ये चिलिका लेक में मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा चाइनीज पैडल फिश एक्सटिंक्ट हो चुकी है। उसके अलावा इंडियाज ओनली ऑरंगुटन डाइड इन उड़ीसा, तो ऑरंगुटन केवल उड़ीसा में मिलता था, वो भी अब इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। उसके अलावा इंडियन पेंगुलिंस, ये काफी न्यूज में होती है क्योंकि इनका ट्रैफिकिंग किया जाता है, इनको मार के फिर इनको चाइनीज मार्केट में बेचा जाता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं जब भी इनका पोचिंग और फिर ट्रैफिकिंग होता है। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बस आपको ये पता होना चाहिए, पेंगुलिन इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। उसके अलावा IUCN रेड लिस्ट पब्लिश करता है, तो उसके तहत वेरियस स्पीसीज को वेरियस कैटेगरी मिलती है, तो वो जो कैटेगरी है वो देख लेते हैं। नॉट इवेल्यूएटेड टर्म ही बता रहा है, डेटा डेफिशिएंट लिस्ट कंसर्न, कोई थ्रेट नहीं है, नियर थ्रेटनेड मतलब अब ये थ्रेटनेड हो सकती हैं। उसके अलावा थ्रेटनेड तीन तरह की होती है, एक वल्नरेबल, उससे भी खराब अगर स्टेटस रहा तो इंडेंजर्ड, उससे भी खराब अगर कंजर्वेशन हिस्ट्री रहा तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ थ्रेटनेड स्पीसीज। और इससे भी खराब हो गया तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड डिक्लेयर करते हैं, जब ये वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो जाती है और हर जगह से एक्सटिंक्ट हो गई तो उसे एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चीता इज एक्सटिंक्ट इन इंडिया। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, ये तीन तरह के थ्रेटनेड स्पीसीज होते हैं। तो जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इंडिया में उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो टेबल है इसको अच्छे से देखने का सेंस बनता है, क्योंकि जितने भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो आपको पता होना चाहिए कि ये स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और उनमें जो इंपॉर्टेंट है तो उनका वो कहाँ कहाँ मिलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ एक बार, जो जो ऐसे कल इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो उसका कल नाम पढ़ दूंगा, जिनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको वो बता दूंगा। मैमल्स में जो स्रीव है, अंडमान वाइट टूथ स्रीव, जेनकिंस अंडमान स्पाइनी स्रीव, निकोबर वाइट टेल स्रीव, ये सब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बस के नाम पता होना चाहिए। एलविरा रैट भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये नामदफा नेशनल पार्क में मिलती है और वहाँ पे एंडेमिक है। और मालाबार सीवेट ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सुमात्रन राइनोसोरस एंड जावन राइनोसोरस ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। उसके अलावा बर्ड्स में माइग्रेटरी स्पीसीज जैसे बियर्स पोचार्ड, साइबेरियन क्रेन, स्पून बिल्ड, सैंड पाइपर, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। व्हाइट बिलाइड हेरॉन ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, हालांकि ये माइग्रेटरी नहीं है। और ग्रासलैंड स्पीसीज जैसे बंगाल फ्लोरिकन, नाम बंगाल फ्लोरिकन है लेकिन ये बंगाल के अलावा भी मिलता है यूपी वगैरह में, तो बंगाल फ्लोरिकन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ये मेनली राजस्थान में मिलता है, पाकिस्तान में भी मिलता है और इंडिया के कुछ स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में भी मिलता है। लगभग इसका नंबर 130 के आसपास है, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जेडन्स कर्सर, सोसिएबल लैपविंग, ये सब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंडिया में टोटल चार वल्चर स्पीसीज हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, दे आर इंडियन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, सिलेंडर बिल्ड वल्चर एंड व्हाइट बैक्ड वल्चर। एक जटायु ब्रीडिंग सेंटर है पिंजौर हरियाणा में, दैट इज द फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर इन द कंट्री फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स। और वल्चर्स का जो मेन प्रॉब्लम होता है वो ड्रग डाइक्लोफेनेक की वजह से होता है। डाइक्लोफेनेक एक पेन किलिंग ड्रग है दैट इज यूज्ड इन द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। उसके चलते क्या होता है कि वो वल्चर्स की किडनी को खराब कर देता है, फाइनली उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द ड्रग डाइक्लोफेनेक। तो ऐसा प्रपोज किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ डाइक्लोफेनेक द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर शुड यूज मेलोक्सिकैम। हालांकि मेलोक्सिकैम थोड़ा कॉस्टली होता है इसलिए यूज नहीं करते हैं। उसके अलावा हिमालयन क्वेल और पिंक हेडेड डक भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। उसके बाद रेप्टाइल्स में घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। घड़ियाल चंबल रिवर में सबसे ज़्यादा मिलता है इंडिया में, चंबल रिवर, वो राजस्थान मध्य प्रदेश के एरिया में, और ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये जितने सारे टर्टल्स एक बार नाम पढ़ लीजिए, केवल हॉक्सबिल टर्टल, फोर टोड रिवर टेरापिन और रेड क्राउन रूफ टर्टल, बंगाल रूफ टर्टल, ये सब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और ये सब एम्फीबियंस, ये सब फ्रॉग भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। टाइगर टोड भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फिशेस में पॉन्डिचेरी सार्क और गैंजेस सार्क भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। गैंजेटिक डॉल्फिन है इंडिया का एक्वाटिक एलिमल, वो इंडेंजर्ड है और गैंजेस सार्क क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। उसके अलावा सॉफिस,
दो तरह के सॉफिस है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, फायर कुराल्स भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, रामेश्वरम ऑर्नामेंटल और रामेश्वरम पैरासूट स्पाइडर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये सब तीन तरंतुला की स्पीसीज है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और हालांकि हाल में टोटल 6 ऐसे स्पीसीज रहे हैं जिनका स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड से घटा करके इंडेंजर्ड, वल्नरेबल या नियर थ्रेटनेड रखा गया। तो ये स्टेटस भी आप देख सकते हैं, क्योंकि होगा क्या कि अगर ये पूछ दिया जाए कि पिग्मी हॉक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसका, ये पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड था लेकिन अभी इसका स्टेटस रिड्यूस करके इंडेंजर्ड कर दिया गया है। तो ये 6 को भी देख लीजिएगा, पिग्मी हॉक चेंज फ्रॉम क्रिटिकली इंडेंजर्ड टू इंडेंजर्ड, कोंडना रैट चेंज फ्रॉम क्रिटिकली इंडेंजर्ड टू इंडेंजर्ड, फॉरेस्ट आउलेट चेंज फ्रॉम क्रिटिकली इंडेंजर्ड टू इंडेंजर्ड, सिसपारा डे गेको फ्रॉम क्रिटिकली इंडेंजर्ड टू नियर थ्रेटनेड, लेदर बैक टर्टल फ्रॉम क्रिटिकली इंडेंजर्ड टू वल्नरेबल, एंड नाइफ टूथ सॉफिस चेंज फ्रॉम क्रिटिकली इंडेंजर्ड टू इंडेंजर्ड। उसके अलावा ये जो सबसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट सर्वे। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए, पहला इंडिया का फॉरेस्ट सर्वे जो आया था वो 1987 में आया था। अभी तक टोटल 15 फॉरेस्ट सर्वे आ चुका है, और ये जो फॉरेस्ट सर्वे जो 2019 में आया था, दिस वॉज 16th फॉरेस्ट सर्वे। तो फॉरेस्ट सर्वे को पढ़ने से पहले एक बेसिक आइडिया बस ये होना चाहिए कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूट है जो पब्लिश करता है इस फॉरेस्ट सर्वे को, और सैटेलाइट के थ्रू डेफिनेटली इस फॉरेस्ट सर्वे को कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो रिसोर्स सैट 2 सैटेलाइट है उसके तहत असेसमेंट किया जाता है कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना बड़ा है। उसके अलावा फिर ग्राउंड लेवल पे भी उसको डेटा को क्रॉस चेक किया जाता है कि सच डैट एरर को मिनिमाइज कर किया जा सके। तो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में फॉरेस्ट को 4 तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक तो इकोलॉजिकल डेफिनेशन है कि एनी एरिया विच इज डोमिनेटेड बाय ट्रीज दैट इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट। तो ये इकोलॉजिकल डेफिनेशन हो गया। उसके अलावा एक लीगल डेफिनेशन है कि फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत जिस भी एरिया को अगर फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा दैट एरिया विल बी कॉल्ड एज फॉरेस्ट एरिया। तो हो सकता है कि वहां फॉरेस्ट हो सकता है कि वहां फॉरेस्ट नहीं हो सकता है कि वहां पहले फॉरेस्ट था लेकिन अब फॉरेस्ट नहीं रहा। तो लीगल डेफिनेशन जो है, एनी एरिया दैट इज डिमार्केटेड एज फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 दैट इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट एरिया। उसके अलावा जुडिशियल डेफिनेशन भी है कि अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने गोदावर्मन जजमेंट में कहा था, गोदावर्मन GODAVARMAN, गोदावर्मन जजमेंट में कहा था कि अगर कभी भी कंफ्यूजन हो देन वी विल गो बाय द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। डिक्शनरी के मुताबिक जो भी डेफिनेशन है फॉरेस्ट की उससे डिफाइन करेंगे कि कोई एरिया फॉरेस्ट है कि नहीं है। और एक सर्वे की डेफिनेशन है, और सर्वे की डेफिनेशन के तहत जो भी फॉरेस्ट कहलाता है, जो भी फॉरेस्ट एरिया है, उसको फॉरेस्ट कवर कहते हैं। तो सर्वे की ये डेफिनेशन है कि मिनिमम एरिया 1 हेक्टेयर होना चाहिए और कैनोपी डेंसिटी 10% होना चाहिए। मतलब सच डैट अगर किसी भी एरिया में अगर जंगल है लेकिन अगर लेट से उसका एरिया 1 हेक्टेयर से कम है तो उसको जंगल घोषित नहीं करेंगे। तो मिनिमम एरिया किसी भी फॉरेस्ट का 1 हेक्टेयर होना चाहिए और उस एरिया की मिनिमम कैनोपी डेंसिटी 10% होनी चाहिए। कैनोपी डेंसिटी का मतलब हुआ को जो ट्री का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसको कैनोपी कहते हैं। तो जो कैनोपी का एरिया हुआ और फॉरेस्ट का जो ग्राउंड का एरिया हुआ, तो अगर कैनोपी का एरिया डिवाइडेड बाय जो फॉरेस्ट के ग्राउंड का एरिया इंटू 100% करेंगे तो उस पर्टिकुलर जो फिगर आया डेट इज कॉल्ड एज कैनोपी डेंसिटी। कैनोपी एरिया बाय फॉरेस्ट बेसल एरिया इंटू 100% दिस इज कॉल्ड एज कैनोपी डेंसिटी। तो कैनोपी डेंसिटी मिनिमम 10% होनी चाहिए तभी उस एरिया को फॉरेस्ट कवर कहेंगे। तो फॉरेस्ट कवर, कोई भी एरिया को फॉरेस्ट कवर के अंदर आने के लिए मिनिमम एरिया उसका 1 हेक्टेयर होना चाहिए और साथ में मिनिमम कैनोपी डेंसिटी 10% होनी चाहिए तभी वो फॉरेस्ट कवर कहलाएगा। उसके अलावा अगर लेट से कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा है लेकिन एरिया 1 हेक्टेयर से कम है, तो भले वो फॉरेस्ट नहीं है लेकिन वहां पे पेड़ काफी ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को ट्री कवर कहते हैं। तो ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में अंतर ये हुआ कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों में कैनोपी डेंसिटी 10% ही चाहिए, लेकिन फॉरेस्ट कवर का एरिया उस 1 हेक्टेयर से ज्यादा होता है पर अगर एरिया 1 हेक्टेयर से कम हुआ तो उसको ट्री कवर कहते हैं। कार्बन स्टॉक तो डेफिनेटली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के एनालोगस है कि कितना कार्बन आप स्टोर कर पा रहे हैं, सिक्वेस्टर कर पा रहे हैं, उसको भी ये पर्टिकुलर सर्वे असेस करता है। अब क्या है कि कोई भी एरिया जिसकी कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा है और जिसका एरिया 1 हेक्टेयर से ज्यादा है वो तो फॉरेस्ट कवर के अंदर आ गया, लेकिन उसमें भी 3 क्राइटेरियाज होते हैं कि कैनोपी डेंसिटी 10% से तो ज्यादा है
लेकिन 10% और 40% के बीच में है तो दैट इज कॉल्ड एज ओपन फॉरेस्ट. पर अगर 40% से 70% के बीच में कैनोपी डेंसिटी है देन दैट इज कॉल्ड एज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट. और अगर कैनोपी डेंसिटी 70% से भी ज्यादा है देन दैट इज कॉल्ड एज वेरी डेंस फॉरेस्ट. तो अभी तक डेफिनेशन क्लियर हो चुका होगा. अगर कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा और 40% से कम है और एरिया 1 हेक्टेयर से ज्यादा है देन दैट इज कॉल्ड एज ओपन फॉरेस्ट. अगर कैनोपी डेंसिटी 40% से ज्यादा है पर 70% से कम है बट एरिया इज ग्रेटर देन 1 हेक्टेयर देन दैट इज कॉल्ड एज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट. पर एरिया 1 हेक्टेयर से ज्यादा है और कैनोपी डेंसिटी 70% से भी ज्यादा है देन दैट इज कॉल्ड एज वेरी डेंस फॉरेस्ट. और ट्री कवर में क्या होता है, कैनोपी डेंसिटी इज मोर देन 10% बट एरिया इज लेस देन 1 हेक्टेयर. बट इन केस इफ एरिया इज मोर देन 1 हेक्टेयर बट कैनोपी डेंसिटी इज लेस देन 10% देन दैट इज कॉल्ड एज स्क्रब. तो स्क्रब, ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर, ओपन फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और वेरी डेंस फॉरेस्ट, इन 6 की डेफिनेशन को मैंने क्लियर कर दिया है. इनकेस अगर आपको आप पहली बार सुन रहे हो समझ में नहीं आ रहा है देन वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स में और मे भी हो सकता है इन्हीं टर्म्स पे यूपीएससी सवाल पूछ ले. फॉरेस्ट सर्वे में डेटा के ऊपर ना जाए कि फॉरेस्ट कवर कितना बड़ा, ट्री कवर कितना बड़ा, लेकिन फॉरेस्ट कवर होता क्या है, ट्री कवर होता क्या है, स्क्रब होता क्या है, ओपन फॉरेस्ट होता क्या है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट होता क्या है, वेरी डेंस फॉरेस्ट होता क्या है, इसी पे यूपीएससी सवाल पूछ सकती है. अब देख लेते हैं कि इस सर्वे के तहत क्या डेटा नजर आया था. तो जो टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया का आया था दैट इज 21.67%. टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री इज 21.67% और टोटल ट्री कवर है 2.89%. तो 21.67% और 2.89% को जोड़ोगे तो कॉम्बाइंड ट्री एंड फॉरेस्ट कवर इज 24.56% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री. उसके अलावा कुछ और स्टैट्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है. सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जो है अमंग द स्टेट्स वो मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में और फिर महाराष्ट्र में. और परसेंटेज फॉरेस्ट कवर के टर्म्स में सबसे ज्यादा है मिजोरम 85%, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर है मेघालय, फिर है मणिपुर, फिर है नागालैंड. नॉर्थ ईस्ट रीजन में ज्योग्राफिकल एरिया का 65% फॉरेस्ट है. सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में कर्नाटका में और सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है मणिपुर में. और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में फॉरेस्ट कवर 37% है. तो ये सब फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए. उसके अलावा वेटलैंड्स की भी मैपिंग करता है ये फॉरेस्ट सर्वे और गुजरात में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स है इन द कंट्री फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल. और उसके बाद मैंग्रोव कवर की भी मैपिंग करता है. मैंग्रोव कवर का एरिया बढ़ा है, फॉरेस्ट कवर का भी एरिया बढ़ा है, ट्री कवर का भी एरिया बढ़ा है. और 21% ऑफ द फॉरेस्ट कवर इज फॉरेस्ट फायर प्रोन. और ट्री बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, ये सबको भी मैप करता है. सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक होता है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन में. ट्री डाइवर्सिटी को भी ये मैप करता है, बैम्बू कवर को भी मैप करता है, बैम्बू का भी एरिया इंक्रीज हुआ है. और एक टर्म होता है ग्रोइंग स्टॉक, उसको भी असेस करता है ये पर्टिकुलर फॉरेस्ट सर्वे. ग्रोइंग स्टॉक क्या होता है कि ट्री होता है, ट्री का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा. अब फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज हैं सबके वॉल्यूम को जोड़ दो जो फिगर आएगी दैट इज कॉल्ड एज द ग्रोइंग स्टॉक. सो ग्रोइंग स्टॉक इज द समेशन ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ ऑल ट्रीज इन द फॉरेस्ट. उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन बुश फायर भी न्यूज में थी. बुश ये भी फॉरेस्ट फायर थी. ये इसलिए हुई थी क्योंकि ये नवंबर दिसंबर के टाइम में हुई थी और नवंबर दिसंबर के टाइम में ऑस्ट्रेलिया में समर होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है और इंडियन ओशन डाइपोल का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फेस था. डैट वॉज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया. और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जहां भी फॉरेस्ट है वहां पे अंडरग्राउंड कोल माइनिंग काफी ज्यादा होती है. कोल माइनिंग के चलते क्या होता है कि मीथेन गैस एटमोसफेयर में रिलीज होती है. तो एक बार आग लग जाएगी तो मीथेन के चलते क्या होगा, आग आसानी से पूरे फॉरेस्ट में फैल जाएगी. तो कोल माइनिंग वॉज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया दिस ईयर, लास्ट ईयर. और
उसके अलावा बस मेन जो था मैंने कवर कर दिया है। उसके अलावा जो दूसरा टर्म आ रहा है डेट इज डीम्ड फॉरेस्ट। अब ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत फॉरेस्ट एरिया को लीगली डिफाइन किया जाता है और डिमार्केट किया जाता है, तो जो भी रजिस्टर्ड एरिया है एज फॉरेस्ट जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत डिमार्केट किया गया है, तो जो जो एरिया डिमार्केट किया गया उसके अलावा भी कुछ ऐसा एरिया हो सकता है जो फॉरेस्ट हो लेकिन अभी तक डिमार्केट नहीं किया गया है, तो वैसे एरिया को कहते हैं डिम्ड फॉरेस्ट। मतलब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत किसी भी एरिया को एज फॉरेस्ट एरिया डिमार्केट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो वो जो भी एरिया डिमार्केट हुआ एज फॉरेस्ट, में भी हो सकता है वहाँ फॉरेस्ट पाया जाता हो, में भी हो सकता है वहाँ फॉरेस्ट ना पाया जाता हो, लेकिन ठीक है, लेकिन जितने एरिया को डिमार्केट किया गया है उसके अलावा भी कोई ऐसा एक एरिया हो सकता है जहाँ पे फॉरेस्ट मिलता है लेकिन अभी तक डिमार्केट नहीं किया गया, तो वैसे एरिया को कहते हैं डिम्ड फॉरेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी को कि वैसे एरिया को डिम्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर करने के लिए। उसके अलावा फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन, ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और इस प्रोजेक्ट का जो मेन फोकस होगा इन ऑर्डर टू फाइट डिजर्टिफिकेशन। बस आपको ये पता होना चाहिए UNCCD दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का जो चौथा कॉप हुआ था वो दिल्ली में हुआ था और इसी कॉप के तहत ही इंडिया ने भी अपना एक एक्शन लिया डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, दैट इज फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन। अब नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड है और 1992 में ये सेटअप किया गया था एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के तहत, इसका भी मेन फोकस है एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना। उसके अलावा अगले न्यूज पीस पे आ जाते हैं, डेट इज फॉरेस्ट प्लस 2.0। इससे पहले फॉरेस्ट प्लस लॉन्च किया गया था एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, ये फॉरेस्ट प्लस 2.0 है, सेकेंड वर्जन ऑफ फॉरेस्ट प्लस। अब फॉरेस्ट प्लस में करना क्या है कि फॉरेस्ट के क्वालिटी को और अपग्रेड करना है, और क्वालिटी को अपग्रेड करेंगे तो होगा क्या कि इकोसिस्टम मैनेजमेंट और बढ़िया होगा, इकोसिस्टम सर्विसेज और बढ़िया होगा और फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट भी होगा। तो डेफिनेटली फॉरेस्ट की क्वालिटी को बेटर करना इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फोकस है। ये सेकंड वर्जन है, पहली बार लॉन्च नहीं किया गया, ये सेकंड वर्जन है और ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। रेड प्लस इनिशिएटिव इंडिविजुअल कंट्रीज लॉन्च करती हैं रेड प्रोग्राम के तहत और यहाँ पे भी फोकस होता है फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना और साथ में फॉरेस्ट की क्वालिटी को और अपग्रेड करना। उसके बाद एक एम हरियाली ऐप है और इस ये जो ऐप है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च की है और इस ऐप का फोकस होगा टू इनकरेज पब्लिक इंगेजमेंट इन प्लांटिंग ट्रीज एंड ग्रीन ड्राइव्स। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। अब UNCCD के बारे में देख लेते हैं, इसका कॉप 14 हुआ था न्यू दिल्ली में और दिस इज द फर्स्ट टाइम डैट इंडिया इज होस्टेड अ कॉप फॉर UNCCD। और UNCCD यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये 1992 में इमर्ज हुआ था, 1992 में रियो समिट हुआ था और उसके तहत जो इम्पोर्टेंट आउटकम्स थे वो थे लाइक एजेंडा 21 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 में 21 स्टैंड्स फॉर द 21st सेंचुरी और उसके अलावा CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो भी वहीं से इमर्ज हुआ था। UNFCCC यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज वो भी रियो समिट से इमर्ज हुआ था। UNCCD यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ये भी रियो समिट से ही इमर्ज हुआ था। और उसके अलावा आगे देख लेते हैं कुछ अगर इम्पोर्टेंट हो, बस आपको ये सब टर्म्स पता होने चाहिए। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है फॉरेस्ट पे, बस इतना ही पता होना चाहिए कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। इससे रिलेटेड इससे ज़्यादा UPSC पूछेगी भी नहीं और इनफैक्ट ये भी आने का चांस कम है, बहुत ही एब्सर्ड सा है। एक टर्म होता है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रैलिटी, बस ये टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि कोई एक नया एरिया डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो होता ही डिजर्टिफिकेशन का प्रोसेस ही ऐसा होता है, कुछ एरिया डिजर्टेड होंगे और कुछ एरिया ऑलरेडी अब डिजर्टिफाई हो रहे होंगे, अब वो डिजर्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो जितने एरिया अगर नए एरिया जो डिजर्ट में कन्वर्ट होते हैं और ऑलरेडी जो पुराने एरिया जो डिजर्ट थे वो रिस्टोर हो जाते हैं और यूजेबल एरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो दोनों रेट अगर बराबर है कि नए एरिया जो डिजर्टिफाई हो रहे हैं और पुराने डिजर्टेड एरिया जो यूजेबल लैंड में कन्वर्ट हो रहे हैं, उन दोनों का अगर रेट बराबर है तो दैट फिनोमेना इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। जितना डिग्रेड हो रहा है लैंड उतना ही अपग्रेड भी हो रहा है। बस ये एक यूथ कॉकस ऑन डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड UNCCD के तहत होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए।
वो भी बहुत ही फैक्चुअल है, यूपीएससी को वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ये सब कल छोड़ने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं होता है। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी मैंने आपको बता दिया, सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन का भी फोकस होता है यूएनसीसीडी में, बस इतना बस आपको पता होना चाहिए। और ऑब्वियसली फोकस होगा ही, क्योंकि अगर सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन कम होगा तो फिर डिजर्टिफिकेशन तो बढ़ने ही लगेगा। बस एक सेकेंड, उसके अलावा बस ये लाइन पढ़ लीजिएगा, द रिजल्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज एग्रीमेंट इन इंडिया हैव स्टार्टेड शोइंग अप। तो इंडिया ने पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर चुका है, तो बस ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए। बहुत ही फैक्चुअल है, वहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है। आईसी टारगेट्स आप स्टैटिक में ही डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और फिर इसके अलावा ये भी न्यूज़ में नहीं है। हाँ, अब ग्रीन इकोनॉमी के बारे में देख लेते हैं कि रिसेंटली रिनाउंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट पवन सुखदेव वाज अवार्डेड 2020 टाइलर प्राइज। तो टाइलर प्राइज इज रिलेटेड टू ग्रीन इकोनॉमी, बस आपको ये पता होना चाहिए। और इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है, द इकोनॉमिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, टीब। तो इनको बनाने के लिए टीब ऑफिस इज होस्टेड बाई यूनेप, ये आपको पता होना चाहिए। और जर्मनी और यूरोपियन कमीशन भी टीब में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए। ऑलरेडी टीब से रिलेटेड यूपीएससी ने सवाल पूछ रखा है। और सही सही अगर बताऊं तो टीब के बारे में विजन ने भी इसलिए डाला है क्योंकि यूपीएससी ने पूछ लिया है, और जिस साल पूछा था उस साल किसी भी मटेरियल में नहीं था। और इनफैक्ट ये सवाल वैसा नहीं था कि आपको पढ़ के जाना था, कितना भी आप पढ़ लोगे ऐसे सवाल जब यूपीएससी में आते हैं तो डेफिनेटली किसी को पता नहीं होता है। कुछ अगर लॉजिकल सेंस लगता है तो ही आपका आंसर निकल सकता है, नहीं तो ये सवाल पढ़ के जाने के लिए नहीं होता है। अब ये लोग भी जान के शो करना चाहते हैं, देखिए हम लोग काफ़ी कंप्रेहेंसिवली कवर करते हैं, लेकिन ऐसा इतना कंप्रेहेंसिवली कवर केवल दिखाने के लिए होता है। कोई भी कोचिंग ऑर्गेनाइज, कोई भी कोचिंग इतना डीप में कवर नहीं करता है। उसके अलावा ग्लोबल फ्यूचर्स रिपोर्ट जो है, बस आपको पता होना चाहिए कौन पब्लिश करता है, तो उसमें एक WWF ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूडेड है, तो बस इतना ही जान लेना है। उसके अलावा ये सब कोई सा काम का नहीं है। कोस्टल रेस्टोरेशन के बारे में बस कल देख लीजिए कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज अटेम्प्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ए प्रोसेस टू रिस्टोर कोरल रीफ्स यूजिंग द बायोरॉक टेक्नोलॉजी। बायोरॉक स्ट्रक्चर वॉज इंस्टॉल्ड 1 नॉटिकल माइल ऑफ मिठालपुर कोस्ट इन गल्फ ऑफ कच्छ। तो गुजरात में ये कोरल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट चल रहा है और बायोरॉक को यूज़ करके कोरल रेस्टोरेशन किया जा रहा है। बायोरॉक क्या है कि स्टील ओशंस में काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स को जब स्टील स्ट्रक्चर पे डिसॉल्व कर दिया जाता है तो बायोरॉक बनता है, और उसी बायोरॉक के ऊपर वो सरफेस बनेगा जिसपे कोरल्स को रिस्टोर किया जाएगा। तो दिस इज ओनली व्हाट गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज डूइंग। अब कोरल रीफ्स में बस आपको ये टर्म पता होना चाहिए कि एक जूजन थेले नाम की एल्गी होती है, और कोरल्स दे आर साइम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन कोरल्स एंड जूजन थेले एल्गी, और जूजन थेले एल्गी के चलते कोरल रीफ्स में कलर आते हैं। और जब भी ग्लोबल वार्मिंग होती है तो होता क्या है कि ये साइम्बायोटिक रिलेशन टूट जाता है, जिसके चलते कोरल्स अपना कलर खो देते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरल ब्लीचिंग। अब एजेंडा 21 का चैप्टर 17 इज डेडिकेटेड टू प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कोरल रीफ्स। और इंडिया में देर इज वन प्रोग्राम अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, दैट इज CRZ रेगुलेशंस, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, और उसी के तहत कोरल्स को कंजर्व करना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके अलावा ये फैक्चुअली आपको पता होना चाहिए, पलाउ इज द फर्स्ट कंट्री टू बैन रिफ टॉक्सिक सन क्रीम। उसके अलावा नए रामसार साइट्स डिजिग्नेट किए गए हैं, इससे पहले टोटल 27 रामसार साइट्स थे, सुंदरबंस वाज द 27th, और 27 के बाद 10 नए डिक्लेयर किए गए हैं, तो टोटल 37 रामसार साइट्स हो चुके हैं इंडिया में। तो जो नए 10 हैं वो किस स्टेट में, बस इतना ही पता होना चाहिए। नंदूर मधमेश्वर जो है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का पहला रामसार साइट है। उसके अलावा समन बर्ड सेंचुरी यूपी में है, टोटल महाराष्ट्र में एक आया है नया, यूपी में 6 आया है, और पंजाब में 3 आया है। तो यूपी में जो 6 आया है उसमें 3 एस से स्टार्ट होता है, तो ऐसे ही आपको काफ़ी आसानी से याद आ जाएगा। समन बर्ड सेंचुरी यूपी में है, फिर नवाबगंज बर्ड सेंचुरी यूपी में, समसपुर एस से ये भी यूपी में, सांदी बर्ड सेंचुरी ये भी यूपी में, पार्वती अरगा बर्ड सेंचुरी ये भी यूपी में है। बस आगरा को पलट दो तो अरगा बन रहा है, तो बस आप ऐसे याद रख सकते हो।
उसके अलावा एस से सरसई नवर झील, ये भी यूपी में है। उसके अलावा पंजाब में दो तो आपको एरिया ऐसे ही पता होगा, ब्याज और नांगल, तो ये दोनों पंजाब में है। और पंजाब में बस एक और है, केसुपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ये भी पंजाब में है। उसके अलावा गाइडलाइंस आ चुकी है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 में, तो रूल्स जो हैं 2017 के हैं, तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस पेश की है। तो इसमें बस जानने वाली बात यह है कि वेटलैंड अथॉरिटीज स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है, कोई भी सेंट्रल या नेशनल वेटलैंड अथॉरिटी नहीं है रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ वेटलैंड्स। तो ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है कि जो वेटलैंड रूल्स है 2017 के तहत, उसमें नेशनल वेटलैंड अथॉरिटी बनाई गई है इन ऑर्डर टू रेगुलेट द वेटलैंड्स इन द कंट्री, तो वो गलत होगा क्योंकि नेशनल वेटलैंड अथॉरिटी नाम की कोई अथॉरिटी नहीं है, देर इज ओनली स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी। तो मेजर जो रेगुलेटिंग एक्टिविटीज जो की जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा की जाती है, मतलब स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के द्वारा की जाती है। उसके अलावा गोगा बिल जो एरिया है वो बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व बना है, तो बस आपको पता होना चाहिए गोगा बिल बिहार में है। उसके बाद सीआरजेड रूल्स ईस्ट फॉर ब्लू फ्लैग बीचेज, सीआरजेड रूल्स टोटल चार तरह के जोन्स होते हैं, सीआरजेड 1, सीआरजेड 2, सीआरजेड 3 और सीआरजेड 4। सीआरजेड 1, 2, 3 जो होते हैं वो लैंडवर्ड साइड होते हैं, सीआरजेड 4 जो होता है वो सीवर्ड साइड होता है। सीआरजेड 1 में वो एरिया आता है जो प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे नेशनल पार्क से बायोस्फीयर रिजर्व्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सीआरजेड 2 में काफ़ी डेवलप्ड एरिया आते हैं जो जनरली सिटीज वगैरह रहते हैं, सीआरजेड 3 में जो लेस डेवलप्ड एरिया होते हैं जैसे विलेजेस वगैरह होते हैं वहाँ पे, और सीआरजेड 4 लैंडवर्ड साइड नहीं होता, ये सीवर्ड साइड होता है। तो ये चार जोन्स होते हैं अंडर द सीआरजेड, और ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत सीआरजेड रूल्स बनाए गए थे, जिसके तहत सीआरजेड को डिमार्केट किया जाता है और वेरियस एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता है। तो कुछ ऐसे बीचेज हैं जिनको ब्लू फ्लैग बीच डिक्लेयर किया जाता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, FEE, वो ब्लू फ्लैग बीच देता है, का स्टेटस देता है किसी भी बीच को। तो अगर किसी भी बीच को ब्लू फ्लैग का स्टेटस लेना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उस बीच पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड होना चाहिए और इको फ्रेंडली बीच होना चाहिए, तभी ब्लू फ्लैग स्टेटस मिलता है। और जब ब्लू फ्लैग स्टेटस मिलता है तो डेफिनेटली उस बीच पे टूरिज्म भी तो बढ़ेगा ही, तो इंडिया को भी अपने बीचेस के लिए ब्लू फ्लैग स्टेटस लेना है। तो उसके लिए क्या है कि सीआरजेड तो वहाँ पे इको फ्रेंडली एटमोसफेयर तो इंश्योर करता ही है बीचेस पे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने होंगे बीचेस पे, तभी ब्लू फ्लैग बीच का स्टेटस मिल पाएगा इंडियन बीचेस को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कुछ सीआरजेड रूल्स को ईज कर दिया गया है, सो डैट इंडिया कैन टेक अ ब्लू फ्लैग स्टेटस फॉर इट्स बीचेस। तो बस यही है ये न्यूज़। उसके बाद हाल में लोकस्ट अटैक हुआ था, तो इस मैप पे देख लेते हैं, जो लोकस्ट का अटैक हुआ था वो अफ्रीकन कंट्रीज और ओमान में काफ़ी ज़्यादा हुआ था, और पाकिस्तान में भी हुआ था, और इंडिया के गुजरात और राजस्थान के एरिया पे हुआ था। तो ये डेफिनेटली एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा ये नेगेटिव एस्पेक्ट होगा। और लोकस्ट जो है वो ग्रास हॉपर के टाइप का ही एक इंसेक्ट है, तो पाकिस्तान ने तो इवन इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी थी जब लोकस्ट अटैक हुआ था। और इंडिया में डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन डेफिनेटली ये क्रॉप्स के लिए, स्पेशली राबी क्रॉप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डेट्रीमेंटल होगा। उसके अलावा इंटरनेशनल सीड ट्रीटी के बारे में बस पहली लाइन आपको पढ़ने की जरूरत है, रिसेंटली द एनवायरमेंट सॉरी द एग्रीकल्चर मिनिस्टर अटेंडेड द 8th सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ सीड ट्रीटी एट एफएओ हेडक्वार्टर्स इन रोम। उसके अलावा देर इज वन एक्ट कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, ये IPR के तहत इंडिया में टोटल 6 एक्ट्स हैं, तो उनमें से एक एक्ट है। उसके अलावा एशियाज ओल्डेस्ट बैम्बू फाउंड इन इंडिया, तो ये असम में मिला है, माकुम कोल फील्ड इन असम, और इससे ये प्रूव होता है कि इंडिया इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ एशियन बैम्बू। और एक प्रोसेस है पार्थियोजेनेसिस, तो रिसेंटली एक फीमेल एनाकोंडा ने बर्थ दिया है थ्रू द फिनोमेनन ऑफ पार्थियोजेनेसिस। पार्थियोजेनेसिस होता है कि फीमेल गैमिट का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन, जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद ही फीमेल गैमिट बनता है, लेकिन फीमेल गैमिट का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थियोजेनेसिस। तो बस ये टर्म आपको पता होना चाहिए, और डेफिनेटली पार्थियोजेनेसिस से फिर क्लोनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो डेफिनेटली दिस इज द एंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये चौथी वीडियो थी, ये पार्ट 2 के नाम से आएगी,
और इसी से पूरा इन्वायरमेंट का PT365 कवर हो गया. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.